वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज कुछ गजल पे बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है मेहर अंजुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। इतनी तुम अच्छी लग रही हो। मैंने सोचा सेट न्यू है राइजिंग पाकिस्तान का, तो क्यों ना मैं भी कुछ न्यू ट्राई करूं। क्रेडिट देना ना भूलें प्लीज। क्रेडिट किसका मशवरा था ये? बिल्कुल रबेका का। रबेका, अच्छा, इन्होंने मुझे स्पेशली कॉल की। इन्होंने कहा अपना यार स्टाइल थोड़ा चेंज करो, नया साल है, खास सवाब मिलेगा तुम्हें जो तुमने इसका हेयरस्टाइल चेंज कराया। लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज? आज तो सीख मैंने सोचा कि क्यों ना गज़ल म्यूज़िक पे बात कर ली जाए, क्योंकि इस पर बहुत कम बात की जाती है और हमारी यूथ को तो ज़्यादातर ये भागते हैं, लिटरली गज़ल म्यूज़िक से तो दूर दूर भागते हैं। इवन कि इंक्लूडिंग मी, मेरे बाबा गज़ल म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं और मुझे डर लगता है उनके सामने गाते हुए। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मुश्किल काम। इसकी आपको क्या लगता है कि खास मतलब एक क्या वजह हो सकती है कि यूथ जो है, अगर आपको लगता है कि गज़ल से भागते हैं? मेरे जहन में एक बात है, लेकिन पहले आई थिंक वो शॉर्टकट्स ढूंढती है यूथ हमारी, जो आजकल की यूथ है उनके पास टाइम नहीं है, ना रियाजत का उनके पास बेचारों के पास टाइम होता है। बाकी हर एक काम कर रहे होंगे लेकिन रियाजत का टाइम नहीं होगा। तो गज़ल म्यूज़िक में यार क्लासिकल मौसीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगम का रियाज करना पड़ता है, तो हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर है। आई थिंक मेहर, म्यूज़िक के साथ साथ जिस तरह जो खूबसूरती से और जो अल्फाज जो है जिनका चुनाव होता है, मुझे लगता है तौसीक उस वजह से भी नौजवान जो है ना कि तलफ्फुज़ की वजह से भी ज़रा, मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान ज़रा सा घबराते होंगे। इसका दूसरा रुख देखिए तो आजकल के नौजवान मेहर जिस तरह से रैप म्यूजिक और हिप हॉप आजकल बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी ऐसे हिप हॉप स्टार्स आ गए, एक दो को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, बड़े मजे की बात है। एक क्वेटा से हैं, दो पिशावर से हैं, कराची लाहौर पिंडी से तो हैं ही हैं। तो ये जो हिप हॉप का जो है, मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब जो रैपर्स की जो लैंग्वेज है और उसके साथ सिंक करना, कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो जबान पे नहीं चढ़ते शायद। लेकिन तौसीक, मैं ये समझती हूँ कि म्यूजिक जो है इसके डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, लाइक पॉप क्लासिकल, ठुमरी स्टाइल अलग है, लाइट क्लासिकल, गज़ल स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बेस होती है ना म्यूज़िक की, वो क्लासिकल सिंगिंग है। अगर आपको क्लासिकल सिंगिंग आती है तो फिर आप सारे जॉनर्स गा सकते हैं। मुझे ये सिखाया गया है कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, आपका एग्जाम होता है तो आप कहते हैं कि मैं मैथ्स का एग्जाम दूंगा, साइंस का दूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंग्लिश का नहीं देना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे म्यूजिक में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, पॉप सिंगिंग, लाइट क्लासिकल, नीम क्लासिकल, तो ये जो जॉनर्स हैं इनका सबके नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर सिंग कर सकते हो। जी, आज बहुत कुछ है मेहर के पास, बहुत से वीडियोस भी हैं, तो आप लेकिन अपने सवाल जारी रखिए ताकि हम उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके, क्योंकि जो टाइप्स आपने कही तो गजल की टाइप्स होती हैं या गजल एक ही तरह से होती है? बिल्कुल, गजल म्यूजिक की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास ख्याल गायकी आती है, ठुमरी आती है, रागाज, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, ये बेसिकली गजल की आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। क्या खूबसूरत, कल रात को जब मेहर ने बताया कि आज ये फराज साहब की गज़ल थोड़ी सी गुनगुनाएंगी, गाएंगी और महनाज जी को ट्रिब्यूट देंगी, तो मुझे महनाज जी याद आ गई। फिर मैंने YouTube पे जाके ये दोनों उनके वर्जन सुने और मेहर उसमें आपको दो वर्जन्स मिलते हैं, एक तो पाकिस्तान टेलीविजन का इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया प्रोग्राम मेरी पसंद, जिसमें महनाज जी ने अपने करियर के बहुत आगे जाके वो गज़ल पेश की और बहुत ही खूबसूरत उसका अंदाज़ है। लेकिन फिर मैंने ढूंढ निकाली उनकी बिल्कुल 70s की गालिबन होगी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट थी तो 70s के एंड में तो पीटीवी कलर हो गया था, और उसके अंदर बिल्कुल यंग महनाज एक लड़की बैठ के, आई थिंक कराची स्टूडियो की वो प्रोडक्शन है, तब उन्होंने पहली बार ये गजल गाई थी। अब के तजदीद, ये दोनों वर्जन्स मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आप जरूर सुनिए। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि कभी सरप्राइज में आपको ये सुनवाएं। लेकिन क्या उम्दा कलाम है और क्या खूबसूरत दोनों इसके वर्जन्स हैं, दोनों अंदाज दोनों महनाज के हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गाए हैं, और बहुत लुत्फ आया, जीती रहो, बहुत मजेदार गाए। अच्छा, क्योंकि अभी जिस तरह महनाज बेगम की बात हो रही है, तो महनाज बेगम ने ऑफकोर्स जो जिस तरह से वो गजल गाया करती थी, मुझे उनके फिल्मी गीत तौसीक बेहद पसंद है। मैं उनके फिल्मी गीतों की जो फैन हूँ ना, मतलब खुशबू फिल्म हो गई, ऑफ कोर्स आईना फिल्म के जो बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं, तो मैं खुद उनके म्यूजिक को बहुत पसंद करती हूँ। जिस तरह से अभी हम गजल की बात करें महर, गजल में किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? बेसिकली इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप दूसरे स्टाइल ऑफ सिंगिंग में ये वाले इंस्ट्रूमेंट ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लासिकल सितार आती है, क्लासिकल सरूद, क्लासिकल बांसुरी और शहनाई, उसके अलावा सिरंगी, संतूर, हारमोनियम और तबला,
मेरा ख्याल है कि हारमोनियम और तबले के बिना गजल अधूरी अधूरी सी है। और हाँ। बहुत से ऐसे गजल गायक हैं जो बाकी सिर्फ हारमोनियम और तबले के साथ और ऐसी शोरा आफाक परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी। बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल ठीक एक रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताई कि गजल के साथ ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हों तो चार चांद। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, अगर आप जल्दी से हमें इस हवाले से एक दो और चीजें बताइए और उसके बाद हमने मेरे ख्याल शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब की वीडियो भी दिखानी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम तौसीक, हमारी यूथ को नहीं पता कि गजल अलग है और नज्म अलग है, तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि गजल में, गजल इज लाइक यू नो बॉक्स ऑफ असॉर्टेड बिस्किट्स, जैसे इसमें जो एक कपलेट होता है जिसको हम शेर बोलते हैं कंप्लीट इन इटसेल्फ होता है, ठीक है, लेकिन नज़्म में एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब पूरी नज़्म में जैसे अगर पांच छह शेर हैं तो वो मिलके एक स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन गजल में ऐसा नहीं है, गजल का हर एक शेर जो है कंप्लीट है, वो इन इटसेल्फ एक पूरी कहानी भी है, लेकिन पूरी गजल का एक अपना मिजाज भी है। बिल्कुल, नज़्म में हमारे पास वो आ जाता है दश्ते तन्हाई, ये नज़्म है, इट्स नॉट गजल, लोग इसको गजल समझते हैं बट इट्स नॉट गजल। तो अच्छा जी, तो अब खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की तरफ बढ़े, गजल की बात हो रही है, वैसे तो पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत पढ़ी, जिसमें रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इस पे फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। एक से बढ़ के एक गजल गायक दिया है मेहदी हसन खान साहब। से पहले जो गजल थी वो ठुमरी स्टाइल में गाई जाती थी, लेकिन इन्होंने, इनके बाद जो है गजल को, इन्होंने बल्कि बेसिकली नया रंग दे दिया गजल को। देखो ना, अब गुलाम अली साहब का अपना ही एक फ्लेवर, उनका अपना ही एक अंदाज है, बिल्कुल इसी तरह ख्वातीन गजल सिंगर्स में आप जाएं तो क्या बात है मैडम फरीदा खानम की, मुझे समझ नहीं आई थी मैं कौन सी गजल गाऊं क्योंकि इतनी खूबसूरत गजल, इकबाल बानो साहिबा उनके फील उसमें, अच्छा मैडम नूर जहां उसमें जाएं तो उन्होंने फिर गजल को जब टच किया तो उन्होंने बताया खूबसूरत गजलें। बिल्कुल, तो ऐसे में अब हम ये देखते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स जो है ना उसके अंदर भी वैसे ऑथेंटिक गजल सिंगर्स होंगे। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो दूसरे जॉनर्स को भी टच करते हैं। हाँ। तो सिर्फ वो बेसिकली गजल को थोड़ा सा रिप्राइज करके लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन जो पुराने सुनने वाले हैं जिन्होंने वो गजलें सुनी हुई हैं वो उतना अट्रैक्ट नहीं होते उसको सुन के, वो कहते हैं नहीं इसमें वो फील खत्म हो गई है। अच्छा, वैसे मेरा जो फेवरेट पाकिस्तान, खैर खान साहब, मेहदी हसन खान भी, गुलाम अली, फरीदा खानम, इकबाल बानो, मैडम नूर जहां, बहुत और भी बड़े बड़े नाम, लेकिन अमानत अली खान साहब ने जो गजल को टेस्ट दिया है, जो रंग दिया है, वो जो गुदाज, वो दुख जो अमानत अली खान साहब की आवाज में है, वो अपने ही एक, 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 एक जुदा मकाम पे हैं और मुझे उनका अंदाज बहुत लुत्फ देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मेहर, really means a lot, thank you so much, ye segment mere liye bahut mushkil tha maine nahi aur bahut mukhtasar bhi waqt tha mere khayal iske upar to tafseel se mazid baat ho sakti hai। मुझे गुलबहार बानो याद आ रही है, उनका भी गजल का अपना अंदाज है। अच्छा जी, वैसा तो बस भैया गजल एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें यू कैन गो ऑन एंड ऑन, हम सब अपनी अपनी फेवरेट एक एक गजल बता सकते हैं। मैं थैंक यू वेरी मच, खुश हो, रियली मींस अ लॉट, थैंक यू।